दोस्तों आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। मणिपुर के दौरे पे आज राहुल गांधी को गए हुए दूसरा दिन मुकम्मल हो चुका है। आज राहुल गांधी का दो दिन का मणिपुर का दौरा मुकम्मल हो चुका है। कांग्रेस ने मणिपुर दौरे के जाने के पहले ही भाजपा के द्वारा कई जगहों पे इस तरीके की बातें आई कि उनको अवरोध उत्पन्न किया गया। मणिपुर के अंदर जाने पर भी उनको जो है हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जा रहा है, जहां महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस ने कई वीडियो भी इस संबंध में जारी किया है। आज जब राहुल गांधी का दौरा, राहुल गांधी वहां मणिपुर जा करके वहां पे राहत कैंपों में गए, लोगों को जो है तसल्ली दिया, उनके कंधों पे हाथ रखा, रोती बिलखते औरतें और बच्चों तक से उन्होंने मुलाकात किया, राहत कैंपों का दौरा किया, हिंसा प्रभावित क्षेत्र में गए। आज जब राहुल गांधी का दौरा दूसरे दिन हुआ तो आज सुबह मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे की पेशकश किया। बताया जाता है कि एक विशेष दूत उनका इस्तीफा लेकर के जाता है, मगर कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा छीन के फाड़ के फेंक दिया। ये फटा हुआ इस्तीफा अलग अलग पोर्शन में आप हमारे दाहिने तरफ जैसे आप देख रहे होंगे, ये इस्तीफे की वो कॉपी है जिस इस्तीफे को वायरल किया जा रहा है, ये कहते हुए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। अब सवाल एक उठता है कि वो कौन फिर जनता है या वो कौन विधायक हैं जो नौ भाजपा के विधायक, भाजपा समर्थित विधायक, नौ विधायक ये जाकर के दिल्ली में कहते हैं कि मणिपुर की सरकार अपना विश्वास जनता के बीच खो चुकी है। वो कौन सी ऐसी जनता है जो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है? एक सभ्य समाज में हिंसा बहुत ही बदनुमा दाग है। हम आपको इस मुद्दे पे नहीं लेकर के जाते, ये सियासी मुद्दे है। वैसे भी इस तरीके के इस्तीफे ऐसा नहीं है कि ये केवल भाजपा सरकार के तरफ से हुआ या फिर मणिपुर सरकार के तरफ से हुआ। सियासी इस्तीफे की पेशकश, इस्तीफा नामंजूर होना, ये आप 1947 से सियासत उड़ा करके देखेंगे, कई बार ऐसा हो चुका है, इसकी कई जो है तवारीखें गवाह हैं। हम आपको राहुल गांधी के उस दौरे की कुछ झलक दिखाते हैं, साथ ही कांग्रेस के आरोपों के बारे में बताते हैं। हम आपको बताते चले कि जब राहुल गांधी को रोका गया उस दौरे के बीच में तो वहां महिलाएं उतर करके सामने आ गई। ये कहा जा रहा है कि हिंसा वहां पे थम रही है, ऐसा हो रहा है, दोबारा उग्र हो सकती है चीजें। बस एक बात नहीं समझ में आती, अभी 3 से 4 दिन पहले 12 उग्रवादियों को सेना ने गिरफ्तार किया था, 12 उग्रवादी, उनमें से एक उग्रवादी ऐसा जिसके ऊपर सेना के कई जवानों के हत्या के आरोप भी हैं, मगर इसी भीड़ ने, उन एक भीड़ ने उग्रवादियों को छोड़वा लिया और सेना को छोड़ करके उन्हें पीछे हटना पड़ा। हम इस हिंसा की दोबारा निंदा करते हैं और अमन की अपील करते हैं। आइए आपको कांग्रेस के आरोपों के बारे में बताते हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के दौरे की कुछ झलक दिखाते हैं। Let it go, let them go. Then why this Rahul Gandhi, when he want to visit to Jambu and are going to ask what is the situation, then why the government is blocking? Why is there any second? Even is in there. Why? What is this? Why? राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर के कांग्रेस ने कई वीडियो जारी किए। इससे पहले के देखे हुए वीडियो में भी कांग्रेस के ही जारी किए हुए हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी राहत कैंपों का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राहत कैंपों की वहां की स्थिति कांग्रेस ने दिखाई है, रोती बिलखती आंखें। हम बार बार कह रहे हैं कि सभ्य समाज में हिंसा की कहीं जगह नहीं है, कोई जगह नहीं होती है। हम ऐसी हिंसा की लगातार निंदा करते हैं। राहत कैंपों में मासूम बच्चों को देखिए, इन महिलाओं को देखिए,
बुजुर्ग हैं वहां पे, बताया जा रहा है कि बुजुर्ग हैं। राहुल गांधी ने सभी के वहां हालचाल लिए, सभी से शांति की अपील किया। वहां के लोगों ने, ये कांग्रेस का दावा है कि वहां के लोगों ने बताया कि वो भी शांति चाहते हैं, वो शांति से, ये हिंसा प्रभावित लोग हैं, राहत कैंपों में जो है शरण लिए हुए हैं, काफी लोग पलायन कर चुके हैं। बताते चले, पिछले लगभग 55-56 दिनों से मणिपुर के अंदर दो समुदायों के बीच में हिंसा जारी है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा जारी है। कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय, दोनों ही समुदाय मणिपुर में लगभग एक बराबर की अहमियत रखता है। अगर 40% आप आदिवासियों में देखते हैं कुकी समुदाय, तो 55% के करीब जो है मैतेई समुदाय। पिछले दिनों सरकार ने सभी को वापस, अपने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको वापस लौटने को कहा। नफरत से बड़ा तानाशाह प्यार से डरता है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली, प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में अपना बूथ मजबूत कराते रहे, अमेरिका इजिप्ट घूमते रहे, गृह मंत्री ने पलड़ा झाड़ लिया, और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार? और यह सारा काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। राहुल गांधी जी वहां पर जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है, अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है, जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है, लेकिन इनमें से किसी के पास ये वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना आज जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में, प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है तो खड़ी हुई है, चाहे वो महात्मा गांधी हो जो नोआखली पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगा, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए, या इंदिरा जी हो जो बेलछी खुद पहुंच गई, और या आज राहुल जी हो जो खुद पहुंच गए हैं और चाहते हैं कि यह हिंसा रुक जाए, क्योंकि हिंसा की लेश मात्र एक सभ्य समाज में जगह नहीं है। जब हाथरस जा रहे थे तब आपने रोका था, जब लखीमपुर जा रहे थे तब आपने रोका था। हर बार अगर राहुल गांधी जी लोगों के साथ खड़े होने के लिए जाते हैं तो आप रोकते हैं, लेकिन इतिहास भी साक्षी है कि वो जहां जाने के लिए निकलते हैं अंततोगत्वा वहां पहुंचते जरूर है। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से बात करने का, रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीजों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए सर, मणिपुर इशू के जो चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति। सर मणिपुर इशू पार्लियामेंट में।